तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने जियो फ़ोन में WhatsApp में स्टेटस लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा। सबसे पहले आपको अपने जियो फ़ोन का जो WhatsApp है उसको अपडेट कर लेना है, या फिर आपको इंस्टॉल करके फिर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे दोस्तों आप ये सब कर लेंगे, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं अपने जियो फ़ोन में कैसे आप स्टेटस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपना WhatsApp ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको WhatsApp ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर की साइड में, देखेंगे एक चैट का आ रहा है, एक दूसरा स्टेटस का आ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर स्टेटस के ऑप्शन पर लाना है। तो इधर साइड वाली बटन आप दबाएँगे, ये देखिए अभी स्टेटस पर आ गया। अब आपको यहाँ पर देखेंगे सर्च पर आ रहा है, अभी आपको माई स्टेटस में जाना है, यहाँ नीचे की ऐप साइड आना है। तो चलिए अभी हम इसको नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर माय स्टेटस में आ गए। माय स्टेटस में आने के बाद आपको ये बीच वाली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे सेंड टेक्स्ट, सेंड पिक्चर, सेंड वीडियो, जो भी आपको लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए मैं पिक्चर लगा के देखता हूँ। आपको इसको ओपन कर लेना है गैलरी को। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास कोई भी फ़ोटो नहीं, तो चलिए मैं इसे ब्लैक वाले को लगा देता हूँ। इसको यहाँ से डन कर देते हैं। जैसे आप डन करेंगे, यहाँ पर कुछ लिखने का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप लिखना चाहें तो ठीक, नहीं तो ओके कर देना। यहाँ पर आप देखेंगे सेंड दिस स्टेटस अपडेट योर कॉन्टैक्ट, इस पर आपको सेंड कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा स्टेटस लगने वाला है, ये देखिए अपडेट हो गया, अब ये हमारा स्टेटस लग गया। चलिए इसको हम ओपन करके देखते हैं, और जीरो व्यूज दिख रहा है। चलिए इस पर फिर से ओपन करते हैं, ये देखिए अभी हमारा ऊपर की साइड देखेंगे चल रही है लाइन, और इधर आप देखेंगे स्टेटस दिख रहा है और यहाँ पर जीरो दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी स्टेटस लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।